मुझे प्रधानमंत्री का बस एक ही वर्ड बहुत अट्रैक्टिव लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, आत्मनिर्भर भारत। पेरेंट्स का कोई प्रेशर नहीं था कि जॉब करना ही करना, बोले कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो कोई बात। लेकिन फिर भी मैंने खुद से इनिशिएटिव लिया कि नहीं। लोग क्या सोचते हैं यह भी हम ही सोचेंगे, तो लोग क्या सोचें। और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं, अभी हम पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर मौजूद हैं और हमारे साथ अभी वायरल चाय वाली प्रियंका हैं, जो कि देख सकते हैं कि चाय का इनका स्टॉल है यहाँ पर, और देख सकते हैं कि इनसे हम बात करने के लिए आए हुए हैं अभी। यही हेडलाइन है, आप देख सकते हैं कि इस चाय की दुकान का, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग क्या सोचेंगे, ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। बहुत अच्छा हेडलाइन है, कहीं ना कहीं इससे सबको सीखना चाहिए, नहीं लड़कियों को, हर इंसान को, हर बच्चे को जो कि नया नया शूट कर रहा है किसी काम को और हार मानकर छोड़ देता है कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, हम चाय बेच रहे हैं, हम कोई खेती कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ तो लोग क्या बोलेंगे, क्या करते थे पटना में, यही सब सोच कर कहीं ना कहीं लोग हैरान रहते हैं। आपको ऐसा शुरू में नहीं लगा कि आप जो कर रहे हैं लोग क्या सोचेंगे? नहीं लगा था। अच्छा, कब से आप, पहले से प्लान था कि चाय बेचना है या फिर नहीं हुआ कुछ तो? नहीं नहीं नहीं, मतलब एग्जाम जब नहीं हो पाया तो था कि नहीं कुछ तो करना है। जी जी। और पटना में ही रह के आप पढ़ाई करते थे? नहीं, बनारस में। बनारस, कितने साल बनारस में पढ़ाई की है? 11 साल। 11 साल स्कूल से लेके कॉलेज तक। कॉलेज तक वहीं पे। और इसके बाद गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते? हाँ, 2 साल किया मैंने। कहाँ पे? वहीं पे, बनारस में। कौन से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते? बैंक एग्जाम्स की। बैंक एग्जाम। अच्छा, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला कि आप चाय ही बेचना है पसंद? मुझे कुछ खुद का करना था तो मैंने सोचा कि क्या करूँ, फिर मैंने प्रफुल्ल बिलोरे के वीडियोस देखे तो वहीं से आइडिया आया कि नहीं मुझे भी चाय बेचना है। अच्छा, आपके घर वालों को कब पता चला? आपको अब तो पता चल गया होगा कि चाय बेच रही हैं। पता चल। जब आप पटना आई चाय बेचने के लिए तब बता के आई थी? बोले थे कि जा रहे बैंक एग्जाम की तैयारी करने, बट चाय बेचने आई थी। अच्छा, घर से आपको सपोर्ट कैसा मिल रहा था पढ़ाई करती थी? अभी तो प्राउड फील कर रहे हैं। अभी तो बहुत मिल रहा होगा आपको तो पूरा भारत। मेरे पेरेंट्स का कोई प्रेशर नहीं था कि जॉब करना ही करना, बोले कि होगा तो होगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात। लेकिन फिर भी मैंने खुद से इनिशिएटिव लिया कि नहीं मुझे आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनना है। प्रधानमंत्री के सोच से कहीं आप? मुझे प्रधानमंत्री का बस एक ही वर्ड बहुत अट्रैक्टिव लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, यस। और कोई भी इंसान अगर चाहे तो आत्मनिर्भर हाँ, बन सकता है, जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब। डेडिकेशन होना चाहिए सर, जितना भी गवर्नमेंट जॉब है सब तो फिट नहीं आ पाएंगे ना, तो किसी को कुछ और भी तो करना। संख्या ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा, उन लोगों को संख्या ज्यादा है तो बिजनेस भी ज्यादा है, ज्यादा है, दिमाग लगाना चाहिए, खुद से अपना करना पड़ेगा सबको। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपके आपको देखकर कोई लड़की अगर करना चाहती है तो कर सकते हैं कि नहीं? कोई भी लड़का लड़की को, मैं भी किसी को देखकर कर रही हूँ, मुझे भी कोई देखकर करेगा तो अच्छा लगेगा कि मैं किसी के काम आ पाई। आप एक बार जो हेडलाइन है आपका उसको बोलेंगे क्या? हेडलाइन प्लीज, दैट इज टैगलाइन, पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि यह है प्रियंका, इनकी बातें अगर कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगी होंगी और लगनी ही चाहिए, क्योंकि आज पूरे भारत में कहीं ना कहीं बच्चा बच्चा कहीं ना कहीं विदेशों तक इनका वीडियो चल रहा है और कई सारे 100 से ज़्यादा इंटरव्यू इनके बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से भी ले चुके हैं, हम लोग भी आए हुए हैं, कहीं ना कहीं इनका टैगलाइन हमें अच्छा लगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने। तो यही थी प्रियंका जो कि आए हुए हैं, इनके पास आए हुए हैं एस के झा सर जो कि पॉपुलर टीचर रहे हैं, इनका भी वीडियो वायरल हुआ था, NIT गंगा घाट पे पढ़ाई करा रहे थे, टेस्ट लेते हैं सैटरडे और संडे को, उनसे भी हम बात करेंगे। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं चाय का प्राइस क्या है, देख सकते हैं कूलर चाय जो कि 15 का है, मसाला चाय है, पान चाय, चॉकलेट चाय, कुकीज, देख सकते हैं 15-20 इनका कम से कम दिन का इनकम है। एक और सवाल ले लेते हैं इनसे, शायद बिजी है, बहुत सारे चैनल वाले आए हैं तो कहीं ना कहीं इनसे, कल मैंने एक इंटरव्यू देखा था इनका, इनका इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि 10,000 से ज़्यादा की कमाई इनका दिन का हो रहा है। आप लोग भी चाय पीने आए हैं क्या? बेशक। कैसा लगा, चाय पी चुके हैं? पी चुके हैं, काफ़ी। कैसा अच्छा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेगा इस लड़की के बारे में जो कि यहाँ से एक आके उठ के और यहाँ 10,000 से ज़्यादा पर डे कमा रही है? मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ख़ास करके आज के जो युवा हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, गार्जियन का होता फोर्स होता है कि आप पढ़ाई करो, जॉब करो, लेकिन कहीं ना कहीं और जो समाज का जो ये प्रेशर होता है, इस वजह से ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, युवा होते हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो उन सभी माताओं और बहनों से, खास करके गार्जियन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने बच्चे को केवल ये ध्यान दें कि आपका बेटा और जो आपका जो बाल बच्चा है वो गलत रास्ते पे ना जाए, और बाकी अगर उनके माइंड में कुछ अगर चल रहा है, ठीक है, जॉब जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि जॉब ही करे, जरूरी हाँ सर, जरूरी नहीं, का सोच भी एक होना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो चाह रहा कि नहीं हम कुछ ऐसा करें जिससे कि मेरा अपना भरण पोषण हो सके, मेरा परिवार चल सके,
तो बेशक आप उन्हें सपोर्ट करें, जितना हो सके आप उन्हें आगे बढ़ाने का कोशिश करें। ये नहीं समाज क्या कहता है, अगर कल के डेट में अगर समाज और आपके प्रेशर से अगर आपका बच्चा अगर कुछ कर लेता है तो क्या वो समाज आपका बच्चा को वो लौटा सकता है, आपका बेटा को वो लौटा सकता है? नहीं लौटा सकता है। तो मैं उन केवल माताओं और पिता से कहना चाहेंगे कि आप समाज का बात ना लेकर के चलें, खुद के बच्चे खुद के बच्चे का ध्यान दें। अब इसके जाज सर से हम बात करेंगे, हालांकि और से चैनल वाले आए हैं जो कि बात कर रहे हैं इसके जाज सर से, बहुत ही मशहूर टीचर हैं इसके जाज सर से, उनसे बात करें। जब तक वही लोग बात कर लेते हैं उसका देख सकते हैं आप, पटना वुमेंस कॉलेज यहीं पर वो चाय वाली है जिसके पास हजारों की संख्या में हमेशा भीड़ रहती है। पटना वुमेंस कॉलेज देख रहे हैं, लड़कियाँ पढ़ने भी जा रही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमेशा यहाँ पर, आप कभी भी आएंगे इस लड़की के पास भीड़ दिखेगा। और कहीं ना कहीं जो एक लड़की आज कर रही है कहीं ना कहीं एक मिसाल है उन लड़कियों के लिए जो कि सोचती हैं कि शायद लोग क्या सोचेंगे अगर हम कोई काम कर